दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप के बारे में कि आपके व्हाट्सएप डाटा लीक हो चुका है, तो आप कैसे जान सकते हैं कि आपका व्हाट्सएप डाटा लीक हो चुका है, आपका व्हाट्सएप मैसेज कोई और पढ़ रहा है, कोई और ही रिप्लाई दे रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा कि ये सब कैसे हो सकता है और इसे आप कैसे बच सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि कैसे हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज मोरे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे और आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल टेस्ट में। बात करते हैं दोस्तों कि हम अपने WhatsApp को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैसे सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ये है मेरा WhatsApp। जब आपने पहली बार अपना WhatsApp खोलेंगे तो यहाँ देखेंगे तीन डॉट बना, इस तीन डॉट के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा तीसरा ऑप्शन, यहाँ पे है WhatsApp वेब। जब इसे आप ओपन करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ रहा है तो समझ लीजिए आपका WhatsApp पूरी के पूरी तरह सिक्योर है। यदि इस तरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यदि मान लीजिए यहाँ पे कोई ब्राउजर दिखाई दे रहा है और बता रहा है कि वहाँ पे ये लॉगिन हो चुका है, तो समझ लीजिए कि यदि आपने नहीं किया है तो कोई ना कोई आपके साथ आपके WhatsApp के साथ छेड़खानी किया और आपके सारे के सारे मैसेज पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही सारे उसके नीचे लॉग आउट का ऑप्शन दिया रहेगा, क्लिक करेंगे और आपका लॉग आउट हो जाएगा और बच जाएंगे। जब यहाँ देखें गॉटेड क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं QR कोड को स्कैन करने के लिए मांग रहा है। यदि आप अपना चाहे मान लीजिए आपके कंप्यूटर वहाँ पे यदि आप web.whatsapp.com करेंगे तो वहाँ पे आपको QR कोड मिलेगा। जैसे ही मोबाइल उस जगह ले जाएंगे और आपको आपका पूरा WhatsApp वहाँ पे सोने लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके एक ही साथ कई जगह आपका WhatsApp चल रहा है। तो इस तरह से बचिए अपने WhatsApp को डाटा को लीक होने से। और एक बार चेक जरूर कीजिएगा कि यहाँ पे आपका दिखा रहा है नहीं। यहाँ पे यदि इस तरह का दिखाई देगा समझ लीजिए आपका WhatsApp सिक्योर है। यदि इस तरह का नहीं दिखाई दे रहा, कोई और चीज़ दिखाई दे रहा, तो समझ लीजिए आपका डाटा कहीं ना कहीं या तो हैक हो चुका है या फिर किसी ने किस तरह से लीक हो चुका है। चलिए बात करते हैं दूसरे, जो कि दूसरा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए इस प्रोडक्ट आपके ऐसा होता है कि आपका कोई मोबाइल लिया और अपने में आप ही के नंबर से WhatsApp दूसरा बना लिया, तो आपके वो WhatsApp को मैनेज अपने मोबाइल में कर सकता है। लेकिन दोस्तों इसका भी एक सोल्यूशन है हमारे पास। सबसे पहले इस तीन डॉट के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जाना होगा अपने अकाउंट में। यहाँ देख सकते हैं अकाउंट बना है। अकाउंट पे यदि क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा टू स्टेप वेरिफिकेशन। दोस्तों ये टू स्टेप वेरिफिकेशन वो चीज़ है, यदि आप इसे इनेबल करके रख लेते हैं, इसके अंदर एक पासवर्ड जनरेट किया जाता है। जब भी आप इसको यदि अपने डिवाइस को छोड़ के यदि कहीं उसी नंबर से यदि बनाना चाहेंगे तो वहाँ पे ये चार अंक का पासवर्ड डालना पड़ेगा। इस तरह से कोई नहीं आपके नंबर से कोई दूसरा कभी भी WhatsApp नहीं बना पाएगा, इसलिए इसको हमेशा बना करके। चलिए यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ बनाकर टू स्टेप वेरीफिकेशन। यहाँ देख सकते हैं इनेबल का ऑप्शन है, इस इनेबल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे देख सकते हैं एक पासवर्ड मांग रहा है, छः अंक का चार अंक का कोई भी एक पासवर्ड यहाँ पे डाल लीजिए। फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक सिंपल पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे एक सिंपल पासवर्ड और यहाँ से मेरी ईमेल आईडी मांग रहा है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल आईडी कंफर्म मांगेगा। इसी तरह से आपको ईमेल आईडी और दो बार आपका पासवर्ड और दो बार ईमेल आईडी करनी है। यहाँ देख सकते हैं डन का ऑप्शन आ गया। अब जो मेरा 6 अंक का पासवर्ड बना है, जब यदि मेरे इसी नंबर से सेम नंबर से किसी और मोबाइल में कोई बनाने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे तो पासवर्ड हमारे पास आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ हमको उसको 6 अंकों का पासवर्ड भी उसको देना ही देना पड़ेगा, तभी वो हमारे नंबर से बना पाएगा। ये अब टू स्टेप वेरिफिकेशन भी करके रखिएगा यदि अपने WhatsApp को पूरी तरह सिक्योर करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।